विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट से अलग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे वैभव सिंह लोधी अपने चुनाव चिन्ह चप्पल से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यूं तो दमोह उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन दमोह के दंगल को जीतने के लिए अब तक कुल 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इनमें से एक है वैभव सिंह, जो राहुल और प्रद्युमन सिंह के चचेरे भाई हैं और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने है। उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है और इसके पीछे के मकसद को लेकर सीधे वो अपने भाई पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने चुनाव चिन्ह जूता मांगा था और उसके बाद अंतिम समय में एक निर्दलीय प्रत्याशी माननीय मगन आदिवासी जी आ गए, उन्होंने जूता भर दिया और नियम अनुसार उसमें पर्ची डाल के मुझे जूता डाल के चप्पल चुनाव चिन्ह दिया गया। मेरे जो मुद्दे हैं वो मैं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, मुस्लिम्स, आपके अल्पसंख्यक वर्ग, इनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हमको दिए जाएं।